yeah. 30 gram, yeah. 30 gram. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि सबको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने ड्रग माफिया के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेटिव स्टार्ट किया हुआ है। वी आर टेकिंग ड्रग एंड ड्रग मेनास एज अवर टॉप प्रायोरिटी विज मिलिटेंसी। तो इसी की कड़ी में जम्मू पुलिस ने ऑपरेशन संजीवनी लॉन्च किया है, जिसका आपको सबको पहले से ही ज्ञान है, नॉलेज है। उसी के तहत SDPO साउथ सन्या वाणी जी की क्यादत में एक नाका जो था वाल्मीकि चौक में लगा हुआ था, और उस चौक में जब चेकिंग चल रही थी, चेकिंग के दौरान एक गाड़ी बड़ी सस्पिशियस तरीके से यू टर्न लेती है, और हमें संदेह होता है कि इसमें कुछ ना कुछ सस्पिशियस कोई एक्टिविटी या कुछ होगा। जब उस गाड़ी की चेकिंग होती है तो वहाँ से हमें 13 लाख रुपया कैश रिकवर हम करते हैं, जहाँ से हमारा डाउट और पुख्ता होता है। फर्दर चेकिंग के दौरान उसी गाड़ी से हमें 1 किलो हीरोइन, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में, ग्रे मार्केट में, जो वैल्यू 4 या 5 करोड़ के करीब है, वो हमने रिकवर की। इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 3 लोगों के नाम मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। पहला है अली मोहम्मद अलियास इसाक, सन ऑफ अब्दुल अहमद डार, आरओ करालपुरा, डिस्ट्रिक्ट कुवाड़ा। सेकंड आ गया प्रदीप कुमार, सन ऑफ हाकम राय, ये राजस्थान का रहने वाला है और प्रेजेंटली ये लुधियाना में कहीं पंजाब में रहता है। और तीसरा आदमी जो है इसमें सुहेल अहमद हलवाई, सन ऑफ लेट गुलाम मोहम्मद, आरओ बिजबिहाड़ा कश्मीर का रहने वाला। इन तीनों से हमें 1 किलो हीरोइन और 13 लाख रुपए कैश हमने रिकवर किया। इसमें केस FIR नंबर 278 ऑफ 2018 अंडर सेक्शन 8/21/22/29 NDPS इन पुलिस स्टेशन गांधीनगर हमने रजिस्टर किया है। सर, ये जो हीरोइन है ये कहीं लेके जा रहे थे या यहीं सप्लाई करनी थी? तो हमारी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, उसमें मैं उतने ही डिटेल्स बता पाऊंगा जिससे हमारी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है हैम्पर ना हो। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में हमें ये पता चला है कि ये हीरोइन कहीं ना कहीं क्रॉस बॉर्डर से आई, और जर्नल एरिया का रेफरेंस जो है वो कुवाड़ा जर्नल एरिया, स्पेसिफिक हम नहीं बता पाएंगे, और ये जम्मू के रास्ते होते हुए फर्दर राजस्थान, अदर पार्ट ऑफ इंडिया ये लेके जा रहे थे ये लोग। ये लोग पहले भी इस तरह के एक्टिविटीज में हैं या? इनमें से एक जो है, जो अली मोहम्मद है, अली मोहम्मद 1991-92 में